हम डिस्कस करेंगे अ ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन बाय डेरेक वॉलकॉट ये एक अवार्ड विनिंग प्ले है 1970 का और जिसके लिए इसके ऑथर को नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है अब ऑथर की बात कर लें तो ऑथर जो है वो एक मुलट्टो है। मुलट्टो यानी कि जिसके एक पेरेंट वाइट और एक पेरेंट ब्राउन है। ये कैस्ट्रीज कैपिटल ऑफ स्मॉल करीबियन आइलैंड में बॉर्न हुए हैं और इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है लिटरेचर में 1992 में अब प्ले की बात कर लें तो ये प्ले एक एलेगोरी है यानी इस प्ले की स्टोरी में एक और हिडन स्टोरी है इस प्ले की कहानी एक बेनाम आइलैंड पर शुरू होती है जो कि करीबियन में है इस प्ले में ख़ुद से नफरत करने वाला एक ब्लैक मैन होता है जो ड्रीम देखता है कि एक वाइट अप्सरा ने उसे राज़ी कर लिया है अफ्रीका का राजा बनने के लिए और एक जेलर के साथ वो मिली हुई है अब ये कहानी है किसके बारे में ये कहानी अ ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन है एक ओल्ड ब्लैक मैन मकाक के बारे में जो कि चारकोल बेचता है और वो अलग रहता है फॉरेस्ट में क्योंकि उसे अपने अगली होने की वजह से जेल में डाल दिया जाता है जहाँ वो देखता है एक काब जिसमें एक वाइट वुमेन यानी कि गोरी औरत जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है चाँद जैसी लगती है और वो आती है बहुत ज़्यादा आकर्षित लगते हुए और इस ब्लैक मैन मकाक की मिस्ट्रेस बन जाती है चलिए इस प्ले के कैरेक्टर्स देख लेते हैं पहला कैरेक्टर है मकाक का ये एक ओल्ड नीग्रो होता है यानी कि ब्लैक मैन जो रहता है मंकी माउंटेन पर ये साठ साल का है यानी कि सिक्सटी ईयर्स और अगली है और इसका नाम मकाक मंकी के ऊपर रखा गया है ये कहकर कि इसकी शक्ल उस मंकी से मिलती है मकाक बाय प्रोफेशन लकड़ियाँ इकट्ठा करने वाला है और चारकोल जलाने का काम करता है लेकिन उसका ड्रीम है कि वो एक दिन अफ्रीका का किंग बन जाए और उसके साथ एक ख़ूबसूरत गोरी औरत होती है अब मकाक जो है उसकी हालत नशे में होती है वो ड्रंक होता है और वो एक ड्रीम देखता है जेल में एक रात नशे में रहने के बाद उसे अरेस्ट किया जाता है कोयला चुराने और मिसबिहेव करने के लिए अब मकाक जो है स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है जो कि फॉलोअर्स हासिल करके ब्लैक पीपल को लीड करना चाहता है और वो भी वाइटनेस को मार के यानी कि उस गोरी औरत को मार के वो उस गोरी औरत को मारना चाहता था जो उसे डराती है इसके मिशन के दौरान अगला कैरेक्टर है कॉरपोरल लेस्ट्रेट का जो कि भी एक मुलट्टो है इस कहानी के ऑथर की तरह यानी कि उसकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में ब्लैक एंड वाइट दोनों किस्म के पेरेंट्स हुआ करते थे और अगला कैरेक्टर है फेलो प्रिजनर्स का फिर टाइगर का सॉरिस फ्रेंड ऑफ मकाक जो कि मोस्टिक है बासिल जो कि एक कारपेंटर है एक कॉफिन बनाने वाला है और एक सिंगर एक मेल कोरस और दो ड्रम बजाने वाले वैसे तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो है मकाक का उसका दोस्त मोस्टिक टाइगर और सॉरिस जो उसे जेल में मिलते हैं और कॉर्पोरल लेस्ट्रेट का जो कि वहाँ का गोरा आदमी है इंस्पेक्टर है चलिए अब कैरेक्टर्स के बाद इस कहानी के प्लॉट समरी पे आते हैं तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक गाने से जो बचता है और डांसर स्टेज के आर पार जाती हैं दो जेल में सेल्स होती हैं यानी कि दो खैर खाने होते हैं एक में टाइगर और सॉरिस जो कि ब्लैक मैन हैं जिन्हें चोरी करने के लिए अंदर डाला जाता है और दूसरा खैर खाना खाली होता है और कॉर्पोरल लेस्ट्रेट एक वाइट मैन है जो आता है मकाक को घसीटते हुए मकाक जो कि एक ओल्ड मैन है सिक्सटी इयर्स का जिसे ये कॉरपोरल लेस्ट्रेट एम टी वाले कैद खानी में डाल देता है और मकाक से सवाल करता है कि तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है अब जो कॉरपोरल है वो आग्यू करता है दूसरे जेल के कैदियों के साथ जिन्हें वो जानवर समझता है अब मकाक जो है वो थका हुआ होता है और वो कन्फ्यूज़ होता है और वो बस वापस जाना चाहता है अपने घर को जो कि मंकी माउंटेन पर है वहाँ जाना चाहता है वो कहता है कि एक वाइट वुमन यानि कि गोरी औरत ने उसे इंस्पायर किया है मकाक एक ख्वाब देखता है अरेस्ट होने से पहले उसका जो दोस्त है उसे मकाक जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है यानि कि दोस्त मोस्टिक को मिलता है उसके घर के बाहर जो कि फिट से रिकवर कर रहा था अब फिट तो आप लोग जानते होंगे सीजर को कहते हैं तो जो मोस्टिक है वो मकाक को हौसला देता है और उसे इनक्रेज करता है ये कह के, के चलो मेरे साथ मकाक हम मार्केट जाएंगे और जो भी तुमने कोयला जमा किया है उसे बेच कर हम पैसे कमाते हैं लेकिन मकाक को एक खाब आता है कि एक वाइट वमेन का भूत जो उससे कहती है कि तुम अफ्रीका वापस चले जाओ और मका की अनाउंस करता है कि ये उसकी इच्छा है ऐसे करने की तो अब मकाक तो नहीं चला मोस्टिक के साथ मार्केट को मोस्टिक अकेले ही चला मार्केट को कोयला बेचने अब रास्ते में मोस्टिक देखता है कि कुछ लोगों की भीड़ ने एक बीमार आदमी को घेर रखा है और लोगों ने उसके नीचे गर्म कोयले रखे हैं ताकि उसे पसीना आए और वो इस सांप के काटने से उसे जो बीमारी हुई है उससे रिकवर हो जाए अब मोस्टिक जो है वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है वो एक हीलर है उसका नाम है मकाक और मैं तुम लोगों को उस तक लेके जाऊँगा अगर तुमने मुझे बदले में ब्रेड और कुछ पैसे दिए तो अब लोग मान गए और मोस्टिक मकाक को लाता है जो कि रस्म निभाता है उस बीमार आदमी को ठीक करने के लिए अब लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और मोस्टिक को तोहफ़े देने लगते हैं लेकिन बाद में जब उन लोगों को मालूम होता है कि मोस्टिक ने तो सबसे झूठ कहा था और ये मकाक कोई हीलर नहीं है तो लोगों की भीड़ मोस्टिक को घेर लेती है और उसे सब लोग बेदर्दी से मारते हैं और इतने में कॉर्पोरल लेस्ट्रेट वहाँ आ जाता है वो सब कुछ देख रहा होता है मकाक वहाँ आता है और अपने दोस्त मोस्टिक के पास जाता है लेकिन मोस्टिक की मौत हो जाती है बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से और वो मकाक के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है और मकाक बेहोश हो जाता है उसे फिट आते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है मकाक जब उठता है तो देखता है कि वो एक जेल में है फिर से कॉर्पोरल लेस्ट्रेड मकाक को उठाता है अब जो टाइगर और सोरेस है जेल के दूसरे कैद खाने में वो देखते हैं कि मकाक के पास पैसे हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस पैसे को चुरा लेंगे ये दोनों टाइगर और सॉरिस मकाक को उकसाते हैं कि मकाक तुम कॉर्पोरल लेस्ट्रेट को मार दो और मकाक मान जाता है मकाक जो है वो बीमार सा महसूस करता है एक छुपे हुए चाकू से वो कॉर्पोरल लेस्ट्रेट को मारता है मकाक जो है वो अपने साथियों टाइगर और सॉरिस को आज़ाद करता है और वो तीनों जंगल की तरफ भाग जाते हैं दूसरी तरफ जो कॉर्पोरल लेस्ट्रेट था वो रिकवर होता है क्योंकि जो चाकू का वार था वो बहुत छोटा सा था और कॉर्पोरल उन लोगों का पीछा करने जाता है अब जब जंगल में ये लोग पहुंचते हैं तो मकाक का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा हो जाता है वो टाइगर और सॉरिस से वादा करता है कि वो उन्हें अफ्रीका लेके जाएगा और वहाँ के सोल्जर्स बनाएगा अचानक कॉर्पोरल की आवाज़ सुनाई देती है तो मकाक टाइगर और सोरेस को छुपने में मदद करता है कॉर्परल जो है वो बहुत ही अपसेट हो जाता है अपने गुनाहों की वजह से और वो मकाक के साथ हाथ मिला लेता है उसके मिशन में मकाक ने तो अब सोरेस को भी मना लिया उसके साथ अफ्रीका चलने के लिए सिर्फ़ एक टाइगर ही है वो मान नहीं रहा था उन लोगों के साथ अफ्रीका चलने के लिए और ये सुनकर कॉर्परल ड्रेट टाइगर पर हमला कर देता है और बाकी के लोग अफ्रीका के लिए निकल पड़ते हैं जहां कॉर्पोरेट ये अनाउंस करता है कि जो भी लॉज होंगे वो मकाक के बिहाफ़ पे मैं मेक श्योर करूँगा कि सब रूल्स को फॉलो किया जाएगा अब एक भीड़ आती है और मकाक को अफ्रीकन कोर्ट ले जाती है एक नए राजा की तरह कॉर्पोरल उस भीड़ से कहता है कि ये तुम्हारा नया राजा है और जो भीड़ में लोग हैं वो भी बहुत खुशी के साथ जवाब देते हैं लेकिन मकाक जो है वो खुश नहीं है वो अपने आप को एक खाली भूत की तरह देखता है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है साठ साल का हो चुका है कॉर्पोरल सारे कैदियों को मकाक के सामने लाता है पहली लिस्ट होती है हिस्ट्री के गोड़े लोगों की यानी कि वाइट पीपल की जिनमें से तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और उन्हें जेल की जाती है इस सज़ा में कि वो वाइट है और उन्हें इतिहास में से निकाला जाता है अगला होता है मोस्टीक जिसे कोर्ट में लाया जाता है इस जुर्म में कि उसने मकाक के ख्वाब को धोखा दिया है अब मोस्टीक दुहाई देता है कि मकाक जो है वो पागल हो चुका है बूढ़ा और अंधा हो चुका है एक राजा बनकर लेकिन मकाक कहीं और ही देखता है और मोस्टिक को सज़ा देने के लिए वहाँ से लेके जाया जाता है और आखिर में उस वाइट वुमेन के भूत को लाया जाता है कॉर्पोरल कहता है कि इसे भी सजा देकर ख़त्म करवा देना चाहिए कॉर्पोरल मकाक को एक तलवार देता है मकाक कहता है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए तुम सब चले जाओ मैं इसे अकेले में मारूंगा। और जब सब हट जाते हैं तो मकाक उस वाइट वुमन के भूत को ख़त्म कर देता है और इसी के साथ मकाक का ख़्वाब ख़त्म होता है और उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि वो जेल में है फिर से और इस बार जब लजिस्ट्रेट ने उसका नाम पूछा तो मकाक जवाब देता है कि मेरा नाम फिलिक्स होबियन है और मकाक अपनी पहचान को कबूल कर लेता है और मोस्टिक आता है जेल में और मकाक और मोस्टिक एक साथ वापस खुशी खुशी अपने घर मंकी माउंटेन लौट जाते हैं एंड इफ़ यू वांट अस टू पोस्ट मोर वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स देन डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ ऑन एम इंग्लिश बी एड एम नेट पेपर वन